प्रदेश शिशु एवं विद्या मंदिर शामनगर में अध्ययनरत छात्रों को समाज सेविका श्रीमती अलका दुबे एवं लक्ष्य दुबे द्वारा सर्दी में चल रहे बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया एवं विद्यालय को भविष्य में प्रत्येक सहायता के लिए कहा। इस कार्यक्रम में अभिभावक एवं छात्र बहुत खुश हुए। कार्यक्रम में अतिथि रूप में उपस्थित रामगढ़ के प्रांत अध्यक्ष श्री रोहन सक्सेना द्वारा छात्रों के फर्नीचर की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में अर्पित सक्सेना, श्री कैलाश जी, हर्षित कुमार आदि उपस्थित रहे। समस्त अतिथियों का आभार श्री रमेश कुमार प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम ने वातावरण को और अधिक उत्साह बना दिया। सभी बच्चों का एवं अतिथियों का धन्यवाद विद्यालय की प्रबंधक सतीश शर्मा एवं अध्यक्ष वंदना शर्मा द्वारा किया गया। क्या नाम है आपका? स्वाति शर्मा। कौन सा स्कूल है, कहाँ पर है? ये श्याम नगर, ये रेलवे हनुमान मूर्ति से आते हुए चंगोसी क्रॉसिंग से श्याम नगर एक नई बस्ती, नई आबादी बनी है। कब से स्थापित हुआ है? प्राइवेट है, सरकारी है? ये अभी तो मान्यता प्राप्त है, सरकारी तो नहीं है, ये मान्यता प्राप्त है। और यहाँ की आबादी अभी शिक्षा से बहुत दूर लग रही थी, और इसी को सोचते हुए हमने यहाँ पे छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए ये केंद्र स्थापित किया। आज क्या कार्यक्रम है? आज इनको बच्चों को स्वेटर वितरित करना था, क्योंकि हमारे विद्यालय के आने वाले जितने भी छात्र थे या छात्राएं थी वो बहुत ही गरीब तबके के थे, और उन पे स्वेटर नहीं थे। तो हमने एक समाज सेवी है उनसे कहकर उन बच्चों के लिए आज स्वेटर वितरित करने की कार्यक्रम को यहाँ किया। यहाँ के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभी यहाँ पे बच्चों में पढ़ाई का रुझान मुझे दिखता नहीं, और उसी को बढ़ाने के लिए हमने ये विद्यालय यहाँ स्थापित किया है, क्योंकि शिक्षा जो है वो हर बच्चे का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, और इसी मौलिक अधिकार को उसी में हमने यहाँ पे ये विद्यालय किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से छूटना नहीं चाहिए।